गर्मी के मौसम में सर्दी का फील, जम्बो हिल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं हूँ जम्पुई पे। तो आज का ये ब्लॉग का जम्पुई हिल के ऊपर मैं आया एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉग के कुछ काम के लिए। तो मैं अभी फिलहाल आज रुक रहा हूँ जम्पुई पे, जम्पुई ईडन लॉज पे। तो मैं आया आज ही सुबह आया, मेरे साथ आया बापन। ये है मेरा रूम, ईडन लॉज का ओल्ड बिल्डिंग, रूम नंबर 5। ये है मेरा रूम बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश है, कुछ भी कचरा वगैरह कुछ नहीं। रूम बहुत अच्छा है, फ्रेश रखा है रूम को। ये है बाथरूम भी एकदम फ्रेश। तो आज का ये ब्लॉग का जम्पू हिल के ऊपर, मैं जितना हो सके जम्पू हिल के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा, जितना हो सके मैं जम्पू हिल आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और थोड़ी देर बाद मैं ईडन लॉज का, इस मैं जिस लॉज पे रुका हूँ, इस लॉज का बाहर का नज़ारा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखते रहो, स्टे ट्यून। अभी रात का 11:30, 11:30 बज चुका है अभी। अभी जम्पुई का व्यू, एक्चुअली अभी बारिश जस्ट रुका है और मैं जस्ट मेरे दरवाजे से देखा व्यू, और मतलब वेदर का जो देखा मैंने, देख के मैं रह नहीं पाया, बाहर निकल के आया। जैसा वो मैं उसी ड्रेस में मैं बाहर निकल के आया जम्पुई ईडन लॉज के ठीक सामने। वो भी मैं देखो पीछे देखो मेरे कितने फॉग, जैसे ये लग रहा है फॉग, एक्चुअली फॉग नहीं है, ये पूरा बादल है। अभी बारिश बंद, अभी जस्ट बारिश रुक गया तो पहाड़ के नीचे से उस दूसरी साइड से फॉग ऊपर की तरफ आ रहा है अभी। और इतना फॉग आया, फॉग नहीं एक्चुअली बादल है, इतना बादल आया, बादल आते आते पूरा डार्क हो चुका है चारों तरफ। देखो पूरा अंधेरा छाया हुआ, पूरा डार्क हो चुका है चारों तरफ, इतना लाइट है फिर भी डार्क हो चुका है। देखने में ये फॉग लग रहा है, एक्चुअली ये फॉग नहीं है, बादल है सब पूरा डार्क। और क्या वेदर, क्या उफ, ऑसम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं हूँ जम्पुई ईडन गेस्ट हाउस के साइड पे। एक्चुअली मैंने सोचा वेदर तो ऑब्वियसली हम लोगों के यहाँ पे तो इतना, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो मैंने भी सोचा कि टी शर्ट और मेरा छोटा सा ये पैंट पहन के सोचा क्यों ना मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूं। तो निकलने के बाद मैं जब साइड पे आया, यहाँ पे इतना हवा, इस साइड से इतना हवा आ रहा है ना, इस ठंड, इतना ठंडी हवा के लिए मुझे ठंड लग रहा है अभी। ऐसा फील हो रहा है कि मैं सर्दी के मौसम में आ गया। तो अभी मैं मॉर्निंग का कुछ नज़ारा दिखाऊंगा इस गेस्ट हाउस का। देखो ऊपर से, देखो गेस्ट हाउस के ऊपर से नज़ारा भी, इतना मैग है, इतना फॉग है, इसलिए डार्क हो चुका है चारों तरफ, दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। जितना टाइम जा रहा है इतना फॉग नीचे से आ रहा है ऊपर तक, इसलिए डार्क हो चुका है। अभी मैं दूसरे, पहले था ऊपर वहां पे, अभी नीचे आ गया इस बेलकनी पे। अभी फिलहाल चल रहा है जुलाई का महीना, गर्मी का महीना। तो इस गर्मी में अगर
ठंड का फील करना है, मजे लेना है, तो आओ त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जम्पू ईडन लॉज पे आके देखो। ये देखो क्या नजारा है पीछे, फॉग, इतना फॉग मैघ दोनों बोल सकते हो, इतना है, पूरा चारों तरफ डार्क हो चुका है गेस्ट हाउस का। जितना टाइम जा रहा है मैं देख रहा हूँ कि नीचे से, मतलब हिल के नीचे से ऊपर तक और ज्यादा करके फॉग आ रहा है। पहले थोड़ा कम था, अभी जितना टाइम जा रहा है और भी ज्यादा हो रहा है। देखो पूरा डार्क हो चुका है अभी। उस सामने पैर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पहले एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था थोड़ा बहुत, पर अभी तो एकदम नहीं है, एकदम पूरा डार्क हो चुका है। गेस्ट हाउस का ही है पैर, सामने सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ही पूरा डार्क हो चुका है चारों तरफ, इतना फॉग। मतलब गर्मी के मौसम में सर्दी का फील जम्पू हिल। तो हेलो एवरीवन, फिर से आया मैं, एक्चुअली मैं आया ब्लॉक पे, जम्पू ब्लॉक पे अभी हूँ मैं फिलहाल। मैं गेस्ट हाउस से यहाँ तक मैं बाइक से आया मेरा, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद सनलाइट आएगा तो गर्मी भी लगेगी, तो इसमें हाफ टी शर्ट मैंने पहन के निकला मैं बाइक से। तो जब मैं बाइक से आ रहा था रास्ते पे, इतना ठंड लगा मुझे, मतलब सर्दी वाली फीलिंग मुझे आ रहा था। और पीछे का नज़ारा देखो, ऑफिस का सामने का नज़ारा देखो, मतलब पूरा टाइम जा रहा है, उधर से फॉग ज्यादा करके आ रहा है, नीचे से पहाड़ के नीचे से फॉग उधर से और भी ज्यादा आ रहा है, जितना टाइम जा रहा है फॉग आ रहा है। हम लोग अभी निकले कार से, तो एक्चुअली मैं जो बोलने वाला था, हम लोग निकले अभी काम पे, निकल मैं शूट के लिए निकल गया ऑलरेडी, कार पे हूँ अभी फिलहाल। पर रास्ते का जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ ना, इतना फॉग है, दार्जिलिंग का फीलिंग आ रहा है। देखो आप लोग कितना, मेरे ठीक साइड इस व्यू से देखो कितना फॉग है, मतलब पूरा डार्क, रोड भी एकदम पूरा डार्क, अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा डार्क हो चुका है। अभी फिलहाल सुबह का 8 AM अभी टाइम, सुबह का 8 AM अभी, इतना फॉग मेरे पीछे देखो, साइड देखो इतना फॉग, पूरा वाइट, सब कुछ वाइट हो चुका है, मैं सामने का दिखा तो अभी। अभी मैं जिस विलेज पे खड़ा हूँ, ये है मोनपुई। अगर कंचनपुर साइड होके आप लोग आओ तो ये है पहला विलेज, और दामचरा रोड से आओ तो ये है सेकंड विलेज जम्पुई का, एक जम्पुई का मोनपुई, जम्पुई का मोनपुई विलेज में अभी मैं खड़ा हूँ। तो मैं अभी खड़ा हूँ एक चर्च के सामने, जो कि है जम्पुई का सबसे बिगेस्ट चर्च, मोनपुई बप्टिस्ट चर्च, जम्पुई का सबसे बिगेस्ट और सबसे सुंदर चर्च। तो चलो मैं चर्च का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को करीब से। अभी हम लोग फिर से आ गए बांगमुन पे, और ये है बांगमुन मार्केट। इस मार्केट पे जितने भी सब्जियां और ग्रोसरीज आते हैं वो सब कंचनपुर या फिर दामचरा से आते हैं। ये है बांगमुन का बप्टिस्ट चर्च, देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा चर्च का, कितना
खूबसूरत चार्ट है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बंगमुन विलेज का एरियल व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा सा सामने जाके देख सकते हो। क्लीनेस्ट विलेज इन त्रिपुरा बंगमुन। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो बहुत ही क्लीन, इतना क्लीन है कि क्या बोलो, सच में यहाँ का लोग इतना ही हम्बल है और इतना ही मतलब हाइजीनिक है। सब अपने अपने घर के सामने मेन रोड बोलो गुना गुना सफाई करके रखते हैं, इतना फ्रेश। तो आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बोलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन खोला है, मारो डिसलाइक। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून फॉर दैट।